हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल तारावती किचन्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं पनीर मसाला बनाने। तो पनीर मसाला फ्रेंड्स, जैसा कि आप रेस्टोरेंट ढाबा पे जाकर खाते हैं फ्रेंड्स, उससे भी ज़बरदस्त टेस्टी बनने वाली है फ्रेंड्स। अगर वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएँगे। तो फ्रेंड्स, सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर इसे ट्राई करिएगा इस तरीके से, और बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप बना पाएंगे और ज़बरदस्त सब्ज़ी बनेगी आपकी, और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा बनने में फ्रेंड्स। तो हम फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने चल रहे हैं। तो एक पैन ले लिए हैं, ऑयल डालेंगे, सरसों का ऑयल डालेंगे। आप किसी भी कुकिंग ऑयल में इसे बना सकते हैं, तो हम सरसों के ऑयल में बना रहे हैं। देखिए, डाल दिए हैं। दो प्याज है मीडियम साइज़ की, उसे हम कट कर लिए हैं लंबे साइज़ में। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हम डाल दिए हैं। और उसे हमें खूब अच्छी तरीके से भूनना है, ब्राउन करना है। देखिए, चलाते हुए हमें बिल्कुल ब्राउन कर लेना है, ये देखिए। क्योंकि ये रेसिपी फ्रेंड्स बनाई जाती है तो इसी तरीके से इसे बिल्कुल रोस्ट करके ही बनाया जाता है। तो प्याज को हम अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे देखिए भून ले रहे हैं, इससे पानी भी नहीं छोड़ेगी प्याज हमारी और जल्दी रोस्ट भी हो जाएगी। तो हाई फ्लेम पर हम चलाते हुए भून रहे हैं, ये देखिए। काफ़ी हद तक ये देखिए हो गई है भी, हम थोड़ा सा और इसे रोस्ट कर लेंगे तो इससे और अच्छी तरीके से, ये देखिए, देखने से पता लग रहा होगा कि प्याज हमारी रोस्ट होने चली है। इस तरीके से हाई फ्लेम पे हम इसे रोस्ट कर लिए हैं 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से। तो प्याज हमारी और लहसुन अदरक मिर्च सभी को हम रोस्ट कर लिए हैं, तो हम निकाल ले रहे हैं पैन से, और इसी पैन में हम सब्ज़ी को बनाएंगे। तो देखिए, इन्हें हम पहले निकाल लेंगे, फिर हम इन्हें पीसेंगे। ये देखिए, मिक्सर जार में डालकर हम पीस ले रहे हैं, देखिए डाल दे रहे हैं, और हमें मिक्सर में पीस लेना है। हमें इसे एकदम मिक्स पतला नहीं पीसना है फ्रेंड्स, देखिए एक दरदरा सा पीसना है। ये देखिए, जैसे दरदरा हमें पीस लिए हैं, फिर हम उसी पैन में ऑयल डाल दे रहे हैं। तो देखिए, कुछ खड़े मसाले लिए हैं, दालचीनी है, जावित्री है, गोल मिर्च है, लवंग है और जीरा है, तेज़पत्ता है, छोटी इलायची है, सभी को हम डाल दिए हैं। तो गरम मसाले को हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे 15 से 20 सेकंड के लिए, ताकि तेल में उसका फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। बस उतना ही हमें भूनना है मसाले को। तो ये देखिए, खड़े मसाले हमारे भुन गए हैं, तो हम हल्दी डाल दिए हैं 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं हम, इन्हें भी हल्का सा भून ले रहे हैं। देखिए, इन्हें भी हम भून लिए हैं। फिर हम टमाटर, देखिए एक टमाटर हम बड़े साइज़ का टमाटर पीसे हैं, उसे हम डाल दिए हैं। एक ही टमाटर पीसे हैं फ्रेंड्स, वो बड़े साइज़ का हमारा है, तो हम पीस के अच्छी तरीके से इसे कच्चा ही पीसे हैं, भुने नहीं हैं उसे टमाटर को। इस तरीके से हम डाल दिए हैं, देखिए टमाटर को हम पकने देंगे, क्योंकि अच्छी तरीके से टमाटर हमारा ताकि पक जाए। तो अभी हम जो प्याज अदरक लहसुन मिर्च का पीसे हैं दरदरा सा, उसे भी हम डाल देंगे और अच्छी तरीके से सभी को पकने देंगे। तो देखिए, साथ में ही डाल दे रहे हैं दरदरा सा, देखिए बिल्कुल पीसे हैं, बिल्कुल इसको बारीक नहीं किए हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे तो सब्ज़ी आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो एक बार आप ज़रूर से ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा, ढाबा रेस्टोरेंट जाना आप भूल जाएंगे फ्रेंड्स। अगर इस तरीके से आप सब्ज़ी को बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी और सभी आपकी तारीफ़ करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, चलाते हुए हम चला दे रहे हैं अच्छी तरीके से, चलाते हुए पका लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए, अभी हम नमक ऐड कर देंगे, नमक अभी हमने नहीं ऐड किए थे, तो नमक ऐड कर दिए हैं क्योंकि टमाटर डाले थे, तो हम नमक ऐड कर देंगे तो अच्छी तरीके से टमाटर भी हमारा अच्छी तरीके पक जाएगा। चला दे रहे हैं धीमी आंच पे ही हम पकने देंगे मसालों को, ताकि मसाले हमारे जले ना और अच्छी तरीके से कुक भी हो जाए। तो चला दिए हैं, ये देखिए, ढक दे रहे हैं करीब 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से मसाला और टमाटर भी पक जाएगा। देखिए, टमाटर और मसाला भी अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट हो गया है, तो पक गया है। तेल भी
ऊपर से सेपरेट होने लगा है, आपको दिख रहा होगा। तो तेल ऊपर से सेपरेट होने लगा तो मसाले हमारे अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं। तो देखिए हम चला दे रहे हैं। तेल देखिए अलग से दिखने लगा है। हम धनिया पाउडर डाल दिए हैं 1 टीस्पून, और आधा टीस्पून हम गरम मसाला डाले हैं और चला दे रहे हैं। अभी हम पानी बिल्कुल नहीं डाले हैं। तो देखिए इन्हें भी हम मिक्स कर लिए हैं और ये भी हमारे मसाले जो है पक गए हैं। तो हम दही डाल दे रहे हैं छोटे चम्मच से, 2 चम्मच हम दही डाले हैं। तो इन्हें हमें 1 मिनट तक अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि दही हमारी फटे न। तो हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक इसे हमें भूनते हुए अच्छी तरीके से पका लेना है, ताकि इस तरीके से पकाने से दही हमारी फटेगी बिल्कुल नहीं और अच्छी तरीके से पक भी जाएगी। देखिए हम चला दे रहे हैं, हाई फ्लेम कर दिए हैं और 1 मिनट अच्छी तरीके से चलाते हुए हम दही को पकाए हैं। फिर हम मलाई को भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं है फ्रेंड तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मलाई डालेंगे तो उससे सब्ज़ी आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो दूध के ऊपर जो मलाई जमती है उसे डालने से सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो उसे आप ज़रूर से ज़रूर अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए। तो देखिए दही डालने के बाद भी हमारे पक गए हैं मसाले अच्छी तरीके से। तो हम मलाई डाल दे रहे हैं, 2 चम्मच हम मलाई डालेंगे। अब इन्हें भी हम पकाएंगे अच्छी तरीके से चलाते हुए। ये देखिए चला दे रहे हैं, ये सब्ज़ी बनने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा और झटपट जब सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी और सब्ज़ी तो इतनी ज़बरदस्त टेस्टी बनेगी कि तो आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे इस सब्ज़ी को, और टेस्ट तो इसका लाजवाब रहेगा फ्रेंड्स। तो देखिए मलाई भी डाल दी है, सारी चीज़ अच्छी तरीके से हमारे पक गए हैं। अब हम पानी डाल दे रहे हैं। पानी आप अपने अनुसार जिस हिसाब से ग्रेवी खाना पसंद करें उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी पनीर बहुत ज़्यादा नहीं है, 200 ग्राम पनीर है, तो हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। तो देखिए हम 1 गिलास से कम ही पानी डाले हैं। देखिए चला दिए हैं। अब हम ढक के इसे 3 से 4 मिनट पकने देंगे ग्रेवी को, फिर हम पनीर को डालेंगे। देखिए ग्रेवी हमारी अच्छी तरीके से पक रही है, आपको देखने से पता लग रहा होगा। तो चला दे रहे हैं, फिर हम पनीर को ऐड करेंगे। देखिए हम पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किए हैं, आप जिस हिसाब से आपकी क्वांटिटी पनीर की हो उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। तो हमारी पनीर 200 ही ग्राम है तो हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किए हैं। तो ये देखिए तो हम पनीर को भी डालेंगे। देखिए डाल दे रहे हैं, 200 ग्राम हमारी पनीर है तो हम इसे कट कर लिए हैं क्यू साइज में, तो डाल दिए हैं। और कसूरी मेथी भी डाले हैं, और लास्ट में हम किचन किंग मसाला डाले हैं थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून, और चला दे रहे हैं। अगर आपके पास ये मसाला हो तो आप ज़रूर से ज़रूर डालिए, नहीं आप कोई भी मसाला गरम मसाला डाल सकते हैं क्योंकि पनीर मसाला बन रहा है तो इसके लिए मसाला तो डालना ज़रूरी है। तो डालेंगे तभी सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। तो देखिए हमें डालने के बाद करीब 1.5 से 2 मिनट तक और इसे ढक के पकाना है, बहुत ज़्यादा हमें और नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा हम पकाएँगे तो पनीर हमारी क्या है टूटने लगेगी। तो हमें बस ढक के बस 2 मिनट, 1.5 से 2 मिनट तक और पकने देना है। बाकी सब्ज़ी हमारी तो बनके तैयार ही हो गई है, आपको देखने से पता लग रहा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स कलर देखिए, सब्ज़ी देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, उतनी सब्ज़ी जैसे देखने में लग रही फ्रेंड्स उससे ज़्यादा कहीं खाने में टेस्टी है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं और झटपट बन के सब्ज़ी आपकी तैयार हो जाएगी। तो देखने से आपको पता चल रहा होगा कि सब्ज़ी कैसी बनी है। इस तरीके से आप बनाएं फ्रेंड्स, और वीडियो ज़रा भी अच्छा लगता है, हमारी मेहनत आप सबको ज़रा भी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो लाइक करें। और हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये देखिए और एक प्यारा सा कमेंट करें फ्रेंड्स।
तो देखिए हम लास्ट में हरी धनिया को डाल दिए हैं। अगर आपके पास हरी धनिया है तो आप ज़रूर से ज़रूर लास्ट में ऐड कर दें, वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन अगर है तो ज़रूर से ज़रूर डालिए। तो डाल दिए हैं हम इसे 10 से 12 सेकंड के लिए और पकने देंगे ढककर, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। ये देखिए 10 से 12 सेकंड हो गया। देखिए आप सब्जी से देखने में कलर। मिलते हैं आप सबसे नई वीडियो नई रेसिपी में फ्रेंड्स। थैंक्स, बाय।